दोस्तों, धरती पे पशु पक्षियों की कई तरह की प्रजातियां हैं जिनके रंग रूप बेहद सुंदर होते हैं। दुनिया में काफ़ी तरह की चिड़ियाएं हैं जो देखने में भी काफ़ी सुंदर होती है। उसी में से एक ऐसी चिड़िया है जिसकी मूछें हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चिड़िया का नाम है इंका टर्न। साथियों, यह चिड़िया बेहद सुंदर पक्षी है। इसका पूरा शरीर ग्रे रंग का होता है जबकि इसके मूछें सफ़ेद रंग के होती है। मित्रों, यह चिड़िया सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। मित्रों, आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म की एक डायलॉग तो जरूर सुने होंगे, मुझे हो तो नथू लाल जैसी। लेकिन अब लगता है कि इसे बदलकर कहना पड़ेगा कि मुझे हो तो इस चिड़िया जैसी। साथियों, यह चिड़िया पेरू और चिली में चट्टानों के इर्द गिर्द पाई जाती है। यह चिड़िया 40 सेंटीमीटर लंबी और इसकी चोंच और पैर सतरंगी रंग के होते हैं। दोस्तों, इस चिड़िया को मछली खाना बहुत ही पसंद है। साथियों, यह चिड़िया शिकार करने में भी बहुत तेज होती है। यह चिड़िया ब्रीडिंग भी चट्टानों के इर्द गिर्द करती है। यह चिड़िया एक बार में एक या दो अंडे देती है। इसके अंडे से चूजे बाहर आने में लगभग 4 हफ्ते का समय लगता है। अंडे से बाहर आते ही इका टर्न के बच्चे 7 से 8 हफ्ते में घोंसले छोड़ देते हैं। इका टर्न की चोंच के पास दिखने वाली मूंछ यह बताती है कि चिड़िया वयस्क हो चुकी है। दोस्तों, यह चिड़िया की आवाज़ भी बिल्ली की तरह होती है। गौरतलब है कि एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में इनकी संख्या घट रही है। साल 2009 में पेरू सरकार की ओर से ग्यूना, आइसलैंड और केप्स नेशनल रिजर्व में इसके संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया गया था। हालांकि अभी तक इनकी संख्या में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। दोस्तों, यह चिड़िया इतना सुंदर है कि किसी को नज़रें हटाना मुश्किल हो जाता है जब यह चिड़िया को एक बार देखता है। साथियों, यह पक्षी जैसा घुमक्कड़ इस धरती पर शायद ही कोई पक्षी हो। इसके बाद दूसरी पक्षी का नंबर आता है, शियर वाटर बर्ड भी उन्हें पक्षियों में शुमार है जो अपने जीवन काल में लंबी दूरी की यात्रा तय करता है। दोस्तों, इका टर्न जैसे पक्षी लगभग साल में 96,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। या किसी भी पशु पक्षी द्वारा एक साल में तय की जाने वाली सबसे ज़्यादा दूरी है। मित्रों, यह पक्षी लगभग 30 साल तक जीवित रहता है और अपने जीवन में यह जितनी यात्रा करता है उसे चांद पर जाकर लौटा जा सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह पक्षी एक बार में इतना यात्रा नहीं करता है। यह अपने जीवन में लगभग 3 बार चांद पर जाके आ सकता है। मित्रों, अगर आपको इस पक्षी के बारे में कोई जानकारी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।